कि हम है वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार, हमको वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। माननीय मंत्री जी, ये बड़ा कदम आपका जो अभी आगे बढ़ रहा है, जिसे टाइगर भी कहते हैं लोग, झारखंड के टाइगर हैं, मतलब टाइगर से आप लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। कहिए कि नया साल के लिए हम लोग को मुबारक मिला है, एकदम तोहफा कहिए तो तोहफा हम लोग का मिल गया है। क्या बोलते हैं, चितकबरा वर्दी वाले जब डंडा लेके चले थे, क्या कुछ हुआ? उस समय तो बहुत ऐसा हुआ था कि कहना ही बड़ा, मैंने समझे कि नहीं कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन ऐसा मार मारा था हम लोग के कि किसी का सिर फटा, किसी का पैर टूटा, कई ऐसे साथी जो हैं जो अभी भी कम, जिसका जो कल तक आप लोग बोलते थे मेरा कोई आधार, कोई औचित्य, कोई कुछ बच ही नहीं गया है। अब बिल्कुल हम लोगों का एक अस्तित्व नहीं था, आज हमको ये अस्तित्व मिला पंचायतों में बैठने का, और हमें लोग भी पहचानेंगे, क्योंकि पहले कहा जाता कि स्वयं सेवक का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कहेंगे कि हम स्वयं सेवक से स्वयं सहायक बन गए। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज कल तक आप देख रहे थे, ये वही पीएसएस कर्मचारी हैं। पता नहीं कितने बार लाठी पड़े, डंडे पड़े, पानी के बौछार किए गए, मेरे ख्याल से एक दो बार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उन तमाम तस्वीरों को आपको हमने दिखाया, लगभग तकरीबन 3-4 महीने करीब राजभवन के समीप धरना पे बैठे रहे, 8 महीने के करीब। अब आप सोचिए, तो उसके बाद हालांकि मेरे ख्याल से सर भी मुड़वाया इन लोगों ने, पता ना कौन कौन से कर्म ही कहेंगे लोगों ने वहाँ पे रख के किया। इवन राजभवन तक ही नहीं, ये चले गए विधानसभा घेराव करने के लिए भी, और वहाँ भी इनके साथ क्या कुछ हुआ, उन तमाम तस्वीरों से एसएमपी न्यूज़ ने आप सभी को अवगत कराया है। उसके बाद यही नहीं, जेएमएम कार्यालय का घेराव भी इन्होंने कई बार किया, वहाँ से भी विफल रहे। उसके बाद आलमगीर आलम साहब के पास भी गए, मतलब कोई कर्म ऐसा नहीं बचा, मतलब ये कपड़े खोल करके भी नंग धड़ंग प्रदर्शन भी इन्होंने किया, तमाम हथकंडे इन्होंने अपनाया। अब सोचिए इनकी क्या परेशानियाँ थी, क्या मजबूरी थी। महिलाएं रोती बिलकती नजर आ रही थी, मुझे वो भी दिन याद है जब ये विधानसभा अभी हाल में ही जो हुआ था, घेराव करने गए थे तो इनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ था तो कुछ लोग तो ऐसे भागे, पता नहीं उनके हाथ पर बचे कि नहीं बचे, मैं भी नहीं देख पाया। जिसको जिधर मन किया जैसे तैसे भागना शुरू किया जब डंडा पड़ना शुरू हुआ। तो खैर बीत गई बात, कहते हैं कि बीती हुई बात को भुला देना चाहिए यदि कुछ अच्छा सामने आ रहा हो तो। ये क्यों कह रहे हैं हम, कल तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को ये लोग, जहाँ तक जबकि वर्तमान मंत्री मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो वहीं कई मंत्रियों के नारों के पहले मुर्दाबाद लगता था, लेकिन अब जिंदाबाद का नारा लग रहा है। और भारी संख्या में इस वक्त पीएसएस कर्मचारी मुरादाबादी पहुंचे हैं, क्यों भाई, मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। खुशी का पल है, आखिरकार सरकार ने, अब यूं कहें तो चंपई सोरेन सरकार ने इनकी मांगों को सुन लिया है और उस पर मुहर लगा दिया है। खुशी का लहर है पीएसएस कर्मचारियों में। हमारे साथ इनके संरक्षक हैं, हालांकि अध्यक्ष भी कुछ देर में आ जाएंगे,
वो भी कैसे उनके बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए थे, और उसे भी आपने देखा था, क्या कहेंगे आज? तो ये खुशी का माहौल, खुशी का पल, क्या कहेंगे? 253 दिन धरना प्रदर्शन नंग धड़ंग, और विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक, और भिक्षाटन से लेकर जो है अपनी याचना तक, हर वह पद्धति और हर वह जो है स्टैंड लेने का काम संघ ने किया, ताकि लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही थी, जो जेन्युइन मांग थी, वह सरकार के जेहन तक जा सके। उसके लिए कई विधायकों ने सदन के अंदर सवाल को उठाया और हमारे धरना प्रदर्शन से लेकर सड़क तक में हम लोगों को सपोर्ट किया, और हर उस आदमी के सपोर्ट से आम जनता और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के हर उस बंधु का हम लोग अभिवादन आज करने के लिए आए हुए हैं कि आप लोगों के सहयोग से और हम लोगों के संघर्ष से कल कैबिनेट की बैठक में यह पारित हुआ कि इनको एक उचित मानदेय देने पर विचार विमर्श कर तय हुआ कि इनको 2500 से शुरुआत किया जाए, और काम के प्रगति को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा, और साथ ही इनकी अवधि जो है 60 साल तक रखने की अनुशंसा की गई। कैबिनेट में इस बात को लाया गया। हम लोग सबसे पहले सहृदय अब इस सरकार को कहते हैं कि हम लोगों का नामांकन जो है स्वयं सेवक जो था, स्वयं से सेवा करने का, उसको हटाकर सहायक पंचायत के रूप में कहा गया। ये हम लोग उनका अभिवादन करते हैं कि पंचायत सहायक के रूप में हम लोगों को रखा गया। अब उनका वह वादा है कि पंचायत के हर काम से पंचायती राज विभाग के द्वारा आप लोगों को काम का आवंटन होगा, और जिस तरीके से पूर्ववर्ती में आप लोगों को मोटिवेशनल के रूप में जो राशि मिलती थी वो तो मिलेगी, दूसरा आपको एक ऐसी राशि भी मिलेगी कि अगर हम काम ना भी लें तब भी वह राशि आपको प्राप्त होगी। ऐसे डिसीजन को लेकर अभी हम लोग तत्काल की स्थिति में बहुत सरकार को साधु धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो कुछ भी मांग होगा हम लोग विस्तृत अपने घर परिवार समझकर सरकार के साथ आगे हम लोग अपनी मांगों को रखते रहेंगे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस कदम आगे जो उन्होंने बढ़ाया उससे आप लोग काफ़ी खुश हैं? बहुत खुश हैं। कल परसों भी आपने हमारे खबरों में देखा था कि किस तरह से जो सहिया बहनें हैं प्रदर्शन करते नजर आई थी, हालांकि वो लोग भी लगातार सरकार से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसे रोते नजर आई थी, कई महिलाएं बेहोश हो गई थी, तकरीबन इनका भी हालात वही था। खैर, हमारे साथ महिलाएं हैं, हमें उम्मीद है आज ना कल उनकी भी बात सरकार जरूर सुनेगी। कितने खुश हैं आज आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि पूरा नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। कल तक आप लोग वही मुर्दाबाद जिंदाबाद करते नजर आ रहे थे आप लोग कि हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, और आज जय जयकार हो रहा है। जी बिल्कुल सर, ये बहुत मतलब सही बात बोले हैं आप कि कल तक तो हम लोग मुर्दाबाद दे रहे थे, लेकिन आज है कि बहुत खुशी मन में लग रहा है कि आज सरकार हम लोग की मांगों को पूरा कर दी, और एक सोली में एक सौगात भी दी। तो हम लोग सभी 18,000 स्वयं सेवक सरकार को अभिवादन करते हैं, और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और आभार प्रकट भी करते हैं। 18,000 ठीक है, और 42,000 उधर भी हैं जो सहिया बहने हैं वो भी हैं। तो सोचिए माननीय मंत्री जी, ये बड़ा कदम आपका जो अभी आगे बढ़ रहा है, जिसे टाइगर भी कहते हैं लोग, झारखंड के टाइगर हैं, मतलब टाइगर से आप लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। कहिए कि नया साल के लिए हम लोग को मुबारक मिला है, एकदम तोहफा कहिए तो तोहफा हम लोग का मिल गया है। नया साल और सामने होली भी है। होली भी है, बहुत खुशी का रंग है अभी, है ना? हाँ एकदम। क्या कहेंगी? देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग इतना आज परिश्रम से इतना कष्ट सह करके भी हम लोग का हमने भी देखा है आप लोग के ऊपर जब डंडा बरस रहा था वो भी हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं था, वहाँ भी था मैं, लेकिन आज चेहरे पे खुशी उस दिन आंसू कैसे बयां करेंगे? कहे कि अभी जो हम लोग को जो समय बीत गया वो अभी जो समय हम लोग का है वो बहुत अच्छे है, जो हम लोग घर परिवार से सुनते थे सुनने के लिए देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, हम बार बार खबरों में ये दिखाते थे कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को लोग लेकर धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं, क्या जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें नहीं दिखाई पड़ता? शायद उन्हें जरूर ये बातें दिखाई पड़ी होंगी, इसलिए इनके आंसुओं को आपको आज पोंछ लिया कि सरकार ने पोंछा। हाँ, पोंछ लिया। कितनी खुशी है? बहुत खुशी। कहाँ से है? हाँ, मैं कांके प्रखंड से। क्या नाम है? ललिता कुमारी। तो अभी आपने सुना, क्या कहेंगे? लगातार हेमंत सोरेन जिंदाबाद, और अभी माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं आप। देखिए, वाकई में 9 महीना का त्यौहार, हम लोग
धरना स्थल पर जहाँ पर हम लोग का गवर्नर हाउस थी, 9 महीना हम लोग बिताए हैं, कोई त्यौहार ऐसा नहीं था हम लोग वहाँ पर नहीं मनाए। आज जो खुशी का दिन है, नया साल है, उसके ऊपर में फिर कल परसों हम लोग का जो सबसे शुरू होती है होली का त्यौहार, फागुन शुरू होता है सब त्यौहार हम लोग का वहाँ से। मैं देख रहा हूँ कि अभी दिख रहा है, अभी हम लोग कल ही खेले हुए हैं पूरा अबिल गुलाल, हम लोग कल रात भर खेले हैं 24 घंटा, मतलब उसके बाद अभी हम ये समय यहाँ पर आए हैं। आज मुख्यमंत्री का समय मिला, उसके इजहार करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। होली खेलना है क्या? आज भी होली खेलेंगे हम लोग, अभी जब तक ही पूरा होली पर हम लोग 9 महीने का त्यौहार हम लोग अभी इस महीना पूरा मनाएंगे। ये देखिए भाई, ये भी याद दिलाना जरूरी, आ जाइए थोड़ा सा, आप भी आ जाइए, ये भी याद दिलाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको जोहार SMP न्यूज का, सब जोहार जोहार जोहार। क्या देखते हैं, क्या SMP देखते हैं, आपका बहुत बड़ा हम फॉलोवर्स भी हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, हम लोगों ने जो एक साल से संघर्षरत थे, उसका आज परिणाम है। सभी 18,000 PSS के चेहरों पर मुस्कान है। सरकार के तमाम परिवार को और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद हो गया है, लेकिन हमें वो दिन थोड़ा सा याद दिलाइए कि जब वो क्या बोलते हैं चितकबरा वर्दी वाले जब डंडा लेके चले थे, क्या कुछ हुआ था उस समय? तो बहुत ऐसा हुआ था कि कहना ही बड़ा, मैंने समझिए कि नहीं कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन ऐसा मार मारा था हम लोग के कि किसी का सिर फटा, किसी का पैर टूटा, कई ऐसे साथी जो हैं जो अभी भी पैर लेके बैठे हुए, जो जख्मी हालत में है, जो अभी तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे आपको कितना डंडा पड़ा? हमको तो बहुत मार मारा था, वहीं जो नारियल लोग जो बेचता है वहीं पर निकाला और इतना मार मारने लगा। राजभवन के समीप? नहीं, राजभवन के समीप पर मारते हुए घसीटते हुए बस में बैठाया, उसके बाद फिर कोतवाली थाना में लेके बंद कर दिया, जिसमें बहुत बहुत लोगों का केस भी दर्ज हुआ उसमें। आप खुशी है, दर्द आराम हो गया? खुशी हुआ, घर दर्द आराम हुआ? दर्द आराम हुआ है। कोख में रहकर पालती है और 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, उसी तरह से ये लोग 9 महीना धरना प्रदर्शन किए, तब जा करके एक इनको नया जन्म ही कहेंगे आप लोग का, क्योंकि इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्या? एक सम्मान मिला, एक पहचान मिला, इसी की खुशी है। और मैं झारखंड सरकार को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मैं उनसे अपेक्षा भी करती हूँ कि आगे भी हम लोग को इसी तरह से ध्यान दिया जाए। हम पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे अपने पंचायत में, और पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि हम अपने पंचायत को उत्थान की ओर ले जाएंगे, आगे बढ़ाने की ओर ले जाएंगे। तो आइए, चंद्रदीप जी हमारे साथ हैं, अब PSS कर्मचारियों के ये अध्यक्ष हुए और इनके ही नेतृत्व में जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, आपने तमाम खबरों को देखा, क्या कुछ हुआ अभी ये बताने की जरूरत नहीं, दो सब दिन से भी समझ लेते हैं। चेहरे पे गुलाल दिख रहा है आज, और चेहरे पे खुशी, कल था आक्रोश, आज एक खुशी, हालांकि जहां डंडा खाते थे आज वहां उस जगह लाल तो है बट गुलाल है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का संघर्ष को आप लोगों ने बहुत बारीकी से जो है कवरेज किया है, पहले भी हम लोगों के विषय में आप लोगों ने कई बार जो है अपने स्तर से भी आप लोग सवाल जवाब किए हैं, इसके लिए पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि तमाम हम लोगों का आंदोलन को आपने बहुत प्रमुखता से कवरेज किया है। अब रही बात कि हम लोग जो 253 दिन जो आंदोलन किए हैं, इस दरमियान आप लोगों ने भी देखा है कि कई बार हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ है, हम लोग के ऊपर FIR भी हुआ, कई पर्व को हम लोगों ने धरना स्थल पे ही मनाया है, मैंने बहुत संघर्ष किया गया है। और कहा जाता है कि जब संघर्ष में सफलता मिलती है तो उसमें अमाउंट नहीं देखा जाता, कहने का मैंने उसमें जो है सरकार कितना हम लोगों को मानदेय दे रही है वो मायने नहीं हमारे लिए, हमारे लिए मायने है कि सरकार ने हमें जो खोया हुआ अस्तित्व को वापस दिया है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं सरकार का, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार में जो प्रक्रियाएं हम लोगों के प्रति जो अपनाई गई थी, हम लोगों के प्रति जो अपनाई गई थी पूर्ववर्ती सरकार में, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी और हम लोग कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे थे। पर ये सरकार, अभी की वर्तमान सरकार, एक चीज़ हमेशा बोला करती थी, माननीय हेमंत सोरेन जी भी इस बात को बोले थे सौराय भवन में, जब हम लोग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी चुनाव से ठीक पहले, तो उन्होंने बोला था कि आपका भी एक विकल्प हम लोग निकालेंगे जो आगे चल के जो है आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत हितकारी होगा। आज माननीय हेमंत सोरेन जी बोले तो ज़रूर, हम लोग का उस समय वो कर नहीं पाए, पर उनका सरकार है, चेहरा सिर्फ बदला है, चंपैदा के हाथों से हम लोगों का कल्याण हुआ है। हम आभारी हैं झारखंड की वर्तमान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आलमगीर आलम जी का, उन एवं तमाम सभी विधायक जो हम लोगों के
आवाज़ हमेशा विधानसभा के पटल पर बहुत प्रमुखता से उठाई है, उन तमाम मंत्रियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यदि हम बात करें कि वो भी दृश्य हमें याद है जब लाठी चार्ज हुआ था तो कुछ कुछ मुख्य चेहरे आगे थे जिसमें एक आप भी थी, क्या कहिएगा? उस समय तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को छला जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते थे तो सिर्फ बोला जाता था कि आप लोग का मांग संज्ञान में है, और हम लोग को समझ में नहीं आता था कि संज्ञान में तो है लेकिन ये पूरा कब होगा। हम लोग लगातार 253 दिन तक हम लोग बिता दिए। अगर ये चीज़ पहले हो जाता तो हम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन हम लोग एक लंबे समय तक धरना स्थल पर डटे रहे। इस बीच हम लोगों ने कई भाई बहनों को खो भी दिया, कई भाई बहनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई, जो मुर्गी बेच के, बकरी बेच के, यहाँ तक कि अपनी जमीन भी बेच करके इस धरना में डटे रहे। इसलिए उस समय हम लोगों को बहुत ही अंदर से ख़राब लगता था कि हम लोग इतना संघर्ष करके आज इस स्थान पे हैं, लेकिन आज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम लोग लगातार धरना स्थल पे सारे पर्व त्यौहार को मना रहे थे और हम लोगों को लग रहा था कि शायद होली भी यहीं पर ना मनाए, परिवार से ना दूर हो, लेकिन होली का हम लोगों को तोहफा दे के हम लोगों को बहुत खुश कर दिए हैं। और टाइगर से आप लोग काफ़ी खुश हैं? जी, बहुत खुश है, और अभी जो भी हम लोगों का मांग पूरा हुआ है इस पर हम लोग खुश हैं। हम लोग का एक छोटा सा, और ये हम लोगों का एक होली का तोहफा मिला है, लेकिन अभी हम लोगों का संघर्ष जारी है कुछ मांगों के लिए। संतोषजनक तो हो गया ना कम से कम, जिसका जो कल तक आप लोग बोलते थे मेरा कोई आधार, कोई औचित्य, कोई कुछ बच ही नहीं गया है। बिल्कुल, हम लोगों का एक अस्तित्व नहीं था, आज हमको ये अस्तित्व मिला पंचायतों में बैठने का, और हमें लोग भी पहचानेंगे, क्योंकि पहले कहा जाता कि स्वयं सेवक का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कहेंगे कि हम स्वयं सेवक से स्वयं सहायक बन गए और हम पंचायतों में सहायता कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं इससे। मेरा नाम विभा रानी है। चलिए, दो शब्द आपका भी शॉर्ट में ही बोल दीजिएगा, क्योंकि भाई ये आज का जो खुशी है वो तो बयां करना भी शायद आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये चेहरे आप लोगों के बता रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे युवा लोग को आज यह त्यौहार का जो तोहफा दिए हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे कि हम लोग अधिकतर त्यौहार जो है सो धरना स्थल पर ही मनाए थे, ये भी उम्मीद कर रहे थे कि होली भी शायद हम लोग को धरना स्थल पर ही बीत जाए, लेकिन सरकार जो हम लोग को ये तोहफा देकर होली का घर परिवार के साथ मनाने के लिए दिए हैं, मैं इसके लिए इस सरकार को और तमाम सत्ता पक्ष विधायक को, मंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश जी। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।